नमो नमः नमस्कार सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आप सभी का श्री स्वागत छे लेट्स हैव सम ब्यूटीफुल स्माइल्स ऑन योर फेस दिस इज द मोस्ट यूनिक प्रेजेंटेशन गोइंग ऑन ओवर हियर प्लीज टेक योर सीट्स ऑन अ वंडरफुल सब्जेक्ट रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटीज आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ हार्टफेल्ट वेलकम टू आवर गेस्ट एंड स्पीकर्स हु आर प्रेजेंट टुडे मे आई हैव द ऑनर एंड प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग श्री Ramesh Prabhuji, Chairman of Mahaseva on the Dais, who will enlighten us with the knowledge and the insights. Convince और team करने में क्या फर्क है? Convince में जमीन मालक, आपके इधर सिडको, या जो भी नई मुंबई में है, अलग एरिया में है, other than सिडको, बराबर है? जो private landowner है, यदि वो convince खुद करके देते, builder को मिलके, उसको convince deed बोलते हैं और उसको convince बोलते हैं। Are you with me? ठीक है यदि उसको छोड़कर बिल्डर आपको कन्विंस नहीं देता है जमीन मालिक आपको कन्विंस नहीं देता है तो आपको किधर जाना है सिटी सिविल कोर्ट में जाना है कंज्यूमर कोर्ट में जाना है जैसा मात्रे साहब ने बताया तो वो कानूनी प्रक्रिया से आप जो कन्विंस देते हैं उसको भी कन्विंस बोला जाता है लेकिन गवर्नमेंट ने यह बताया कि यदि आप कानूनी प्रक्रिया करने से अच्छा आप रजिस्ट्रार के पास जाओ जहां इधर ज्वाइंट रजिस्ट्रार है सिडको में या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप उनके पास जाओ वो बिल्डर को बुलाएंगे जमीन मालक को बुलाएंगे और आपका सोसाइटी बनके चार महीने के अंदर कन्वेंस नहीं दिया हुआ आपको कन्वेंस के ऊपर सिग्नेचर करते हुए आपके नाम से कन्वेंस डीड करके देंगे इस प्रक्रिया को डीम कन्वेंस बोलते हैं बेनिफिट दोनों में सेम है कन्वेंस और डीम कन्वेंस में कोई फर्क नहीं है रजिस्ट्रार ने दिया हुआ कन्वेंस को डीम कन्वेंस बोलते हैं और जो बिल्डर ने दिया हुआ कन्वेंस या जमीन मालक ने दिया हुआ कन्वेंस उसको कन्वेंस बोलते हैं आर यू विद मी ओके अभी महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट 1963 देखो आपको कन्वेंस किस कायदे के अंतर्गत मिलता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वी हैव इन महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट 1963 उसमें यह बताया गया है कि 1960 के बाद जब डेवलपमेंट बढ़ते गया और बिल्डर लोग बहुत सारा मनमानी करने लगे तो गवर्नमेंट को यह लगा कि फ्लैट परचेज का राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्लैट ओनर्स राइट महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट आ गया जिसमें बिल्डर बहुत सारा अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं देते थे इलेबिलिटी होता था कन्विंस देते थे सोसाइटी नहीं बनाते थे आपसे पास पैसा लेते थे एरिया कम देते थे ये सब रोकने के लिए बिल्डर के ऊपर नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 आया अभी कौन सा कायदा है बिल्डर को नियंत्रण करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा मोफा को मोफा है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट है आज भी है उसके अलावा बिल्डर को और नियंत्रण लाने के लिए केंद्र शासन ने 1 मई 2017 को एक नया कायदा लाया रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो रेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को प्रोजेक्ट को कर लेती है और आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने का पूरा प्रयास करती है नेक्स्ट अभी इसका मकसद क्या था फ्लैट ओनर्स को स्टैट्यूटरी राइट देना मतलब कानूनी प्रोटेक्शन देना यदि बिल्डर कन्वेंस नहीं देता है आपको कन्वेंस मिलेगा बिल्डर आपको सोसाइटी बना के नहीं देता है तो आपको सोसाइटी रजिस्टर करके देगा इस तरह से आपका स्टैट्यूटरी राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आया है दूसरा आपको अभी बिल्डिंग प्लान वगैरह आरटीए डाल के मिल सकता है और आपका एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन 20% पेमेंट देने के बाद एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए यदि नहीं करके देता इट इज ड्यू टू बी रजिस्टर्ड देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट सेक्शन 4 ये बोलता है यदि आपने 20% के ऊपर पेमेंट दिया है आपके पास एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड नहीं किया है मोफा बोलता है इट विल बी ड्यू टू बी रजिस्टर्ड उसी तरह से आपको एग्रीमेंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है यदि फॉर्मेट का अलावा आपको कोई एग्रीमेंट देता है उसको मान्यता नहीं होगा और आखिर में सोसाइटी मैनेज करना मेंटेन करना आपको सोसाइटी हैंडओवर करना कन्वेंस करके देना ये पूरे का पूरा प्रावधान लगभग 18 सेक्शन महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में है उसी तरह से महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट को हम मदर ऑफ फ्लैट एक्ट बोलते हैं इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस महाराष्ट्र जिसमें कनेक्टेड जो भी सेटल एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट ये सब कायदा कानून उसके साथ जोड़े हुए हैं उसी तरह से लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड राइट जो मात्रे साहब ने शुरुआत में बताया कि जमीन का दोनों अधिकार है लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड जहां आपको प्राइवेट लैंड है उधर आपको लीज होल्ड फ्री होल्ड मिलता है और जहां गवर्नमेंट का लैंड है वो लीज होल्ड मिलता है ये दोनों को मोफा लागू है
इवन रेरा दोनों के लिए लागू है। उसी तरह से इट इज कंसर्न्ड विद द फ्लैट। तो फ्लैट मतलब क्या है, वैसे नेक्स्ट फ्लैट का मतलब ये है, रेसिडेंशियल फ्लैट है, शॉप है, गैरेज है, इंडस्ट्रियल गाला है, बंगलो है, ऑफिस है, डेवलप्ड प्लॉट है, ये जितने भी अलग अलग कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स है इसको हम बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट का व्याख्या इवन शॉप भी है। नेक्स्ट, उसके अंदर जैसे कि दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है प्रमोटर, प्रमोटर मतलब लैंड ओनर एंड बिल्डर, जो बिल्डिंग बना के बेचते हैं दोनों प्रमोटर बोला जाता है, और दूसरा है फ्लैट ओनर। फ्लैट ओनर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, और इस तरह का एक प्रावधान लैंड ओनर और बिल्डर मिलके फ्लैट ओनर का जो सोसाइटी है उनको कन्विंस देने का एक दायित्व वो बिल्डर के ऊपर डाला है, और ये जो है आपको महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट दिखाई देता है। एक है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, दूसरा है स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन। देखिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट में क्या लिखा है, आपको कौन सा फ्लैट मिलेगा, कब मिलेगा, कितना एरिया का फ्लैट मिलेगा, उसमें क्या एमिनिटीज रहेगा, दीज आर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है नहीं लिखा है, फिर भी ये स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन बिल्डर को करके देना अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी। कौन सा है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट रजिस्टर करके देना, सोसाइटी बना के देना, बिल्डिंग को ओसी लाके देना, बिल्डिंग कंप्लीशन करना, कॉमन एमिनिटीज देना, सोसाइटी बनाना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना, जितने भी इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करना, प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आपको कन्विंस करके देना, सोसाइटी बनाने के बाद सोसाइटी को पूरा डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना, कन्विंस करके देना, इसको स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन बोलते हैं। बहुत सारा बिल्डर आते हैं जब डीम कन्विंस के लिए जाते हैं, हमने कन्विंस देने की वादा नहीं किया, हमने ग्रेड लिखा नहीं है, हमने ये नहीं वादा किया, हमने वो वादा नहीं किया। भाई आपने वादा किया नहीं किया, कानून एग्रीमेंट के ऊपर है, तो कानूनी जो राइट्स है उसको हम स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, उसी तरह से कन्विंस का मतलब क्या है, कन्विंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे कि लैंड का टाइटल दो प्रकार का है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, तो आपको दोनों प्रकार का, यदि लीज है तो लीज मिलेगा, यदि फ्री होल्ड है तो फ्री होल्ड मिलेगा। तो इस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है उसको हम कन्विंस कहते हैं। और कन्विंस क्यों चाहिए, मात्र साहब ने बहुत बहुत स्पष्ट से बताया आपको, त्यांनी काय सांगितलं, तुम्हाला मार्केटेबल टायटल पाहिजे असेल, तुम्हाला कन्विन्स करून घ्यावं लागेल। मार्केटेबल टायटल जेव्हा तुमच्याकडे असेल, तुम्ही पुढचं रिडेव्हलपमेंट करू शकता, लोन घेऊ शकता, खूप काही बेनिफिट्स आहेत, तर टू बिकम ए लीगल ओनर। तुम्ही जोपर्यंत कन्विन्स करत नाही तोपर्यंत तुम्ही लीगल ओनर होणार नाही। तुम्ही लीगल ओनर तुमचा फ्लॅटचा होणार पण जमिनीचा होणार नाही। टू बिकम ए लीगल ओनर यू हॅव टू हॅव द कन्विन्स टू मेक ए एंट्री इन द गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड। जसं आपण म्हणतो 7-12 मध्ये एंट्री करणं, किंवा प्रॉपर्टी कार्ड मध्ये एंट्री करणं, किंवा सिडकोच्या रेकॉर्ड मध्ये तुमचं लीज आहे ते नोंद करण्यासाठी तुमचं कन्व्हिन्स होणं किंवा लीज डीड होणं अतिशय गरजेचं आहे। आणि शेवटचं आहे टू हॅव ए फ्री अँड मार्केटेबल टायटल। ह्या सर्व गोष्टी पाहिजे असेल आपल्याला कन्व्हिन्सचं गरज आहे। कन्व्हिन्स दोन गोष्टीचा होतात, लँडचा होतात आणि बिल्डिंगचा होतात। जिथे तिथे कन्व्हिन्स तुमचं लीज तुमचा सोसायटी नावाने ऑलरेडी झाला असेल, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर नेऊन बिल्डिंग बांधला असेल, तर तिथे वेगळं कन्व्हिन्स बिल्डिंगचा करायचं गरज नाही। अदरवाईज तुम्हाला जिथे बिल्डिंग बिल्डर बांधतोय तिथे जमिनीचा आणि प्लस बिल्डिंगचा दोघांचा कन्व्हिन्स करून घेणं अतिशय गरजेचं आहे। जसे आम्ही बताया कन्व्हिन्स दो तीन प्रकार का है। कौन सा है, एक तो आप बिल्डर से, जैसा मात्र साहब ने बताया पहले ही कि आपको कन्विंस करके लेना है, आप बिल्डर के साथ जाओ, बिल्डर ने आपको करके दिया, आपका कन्विंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बिल्डर को नोटिस देने के बाद 4 महीने के अंदर उसको करके देना है, सोसाइटी बनाने के 4 महीने के अंदर उसको कन्विंस करके देना है, वो मैं और मात्र साहब नहीं बोल रहे, कायदा बोल रहा है, और उसको करके नहीं देता है तो फिर आप कोर्ट में जाओ। अभी कोर्ट कचहरी जाना बहुत लंबा चौड़ा होता है, आपको भी मालूम है उनके मामले में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया कि चलो डीम कन्विंस हम करते हैं। डीम कन्विंस के माध्यम से क्या होता है, आपको कोर्ट कचहरी में न जाते हुए आप जिस रजिस्ट्रार ने आपको सोसाइटी बना के दिया, जिसका तालुका रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, उसके साथ जाके आप जमीन का हस्तांतर करके ले आओ, उसको हम डीम कन्विंस बोलते हैं। तो यदि कन्विंस बिल्डर के साथ करना है, कई लोगों को गलतफहमी बहुत है, भाई बिल्डर करते है तो आपको कोई खर्चा नहीं आता है, कोई डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं काटना पड़ता, ऐसा नहीं है। बिल्डर करता है तो बिल्डर सिर्फ सिग्नेचर देता है, बाकी सब काम आपको करना है। क्या क्या काम आपको करना है, आपको बिल्डर को अप्रोच करना है, बिल्डर का सम्मति लेना है, जितने भी लैंड और बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट है वो आपको कलेक्ट करना है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट
उसके बाद आपको कन्वेंस डीड बनाना है, वो कन्वेंस डीड कौन बनाएगा? वकील बनाएगा। आपको एडवोकेट के साथ जाना पड़ेगा, कन्वेंस डीड बनाना पड़ेगा, वो बिल्डर नहीं बनाता है। उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी एजुडिकेशन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एजुडिकेशन? एजुडिकेशन मतलब कि जितने भी आपका फ्लैट है, मान लो सोसाइटी में 100 फ्लैट है, 100 का 100 फ्लैट ओनर ने कन्वेंस में लगने वाला स्टैंप ड्यूटी भरना चाहिए, उनका 100 का 100 एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। मान लो आपके पास 85 एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ है, 15 लोगों ने स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं है, कन्विंस करते टाइम उस 15 जो फ्लैट ओनर है उसका स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा। किसके ऊपर कलेक्ट किया जाएगा? कन्विंस डीड में या लीज डीड में। उस टाइम में वो 15 लोगों का आपको स्टैंप ड्यूटी भरना है, वो भरने के बाद उस एग्रीमेंट को रजिस्टर किया जाएगा, और एग्रीमेंट को रजिस्टर करने के बाद आपको अपना नाम से प्रॉपर्टी कार्ड 712 या सिडको का, आपका नाम सिडको का रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसी तरह से आपको कन्विंस डीड रजिस्टर करना है, जहां आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होता है उधर ही कन्विंस डीड रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं सब रजिस्टर। उसके बाद आपको इंडेक्स 2 मिलता है, ओरिजिनल कन्विंस डीड आपको वापस मिलता है, और उसके बाद आपको सिटी सर्वे ऑफिस में, तलाटी में या सिडको में आपको एप्लीकेशन डाल के आपका नाम सिडको का रिकॉर्ड में लाना है। आर यू विद मी? इस तरह का प्रक्रिया इवन बिल्डर के पास जाता है तो भी करना पड़ेगा। बिल्डर क्या करेगा, जमीन मालिक क्या करेगा, उसका सिग्नेचर सब रजिस्टर में ऑफिस में आके देगा, उसके अलावा सब काम आपको ही करना है। यदि आप मान लो ये करने के जगह में आपको कोर्ट कचहरी में जाना है, या जरूर आप कोर्ट कचहरी में जा सकते हो। यदि कोर्ट कचहरी में जाते हो तो आपको सिविल कोर्ट है, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्यों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? क्योंकि कन्वेंस करके देना कानूनी से बंधन कारक किया और कायदे में भी लिखा है। यदि कायदे का उल्लंघन करता है, एग्रीमेंट में लिखा है, वो भी नहीं करता है, इट्स अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप सीबीटी सिविल कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके लेके आ सकते हैं। दूसरा जो है कंज्यूमर कोर्ट में, आप किधर जा सकते हो? ग्राहक न्यायालय में जा सकते हो। यदि ग्राहक न्यायालय में जाते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी 2019 हुआ है, उधर आप जा सकते हो। जैसा साहब ने बताया, माथे साहब ने शुरुआत में बताया कि यदि कन्वेंस नहीं देना एक कानूनी गुनाह है, इट्स एन ऑफेंस। यदि ऑफेंस है तो आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, एफआईआर कर सकते हो, आप बिल्डर के खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। लेकिन एफआईआर करने से आपको जरूरी नहीं कि कन्विंस मिलेगा, लेकिन एफआईआर करने वो डर जाता है, डर के आपको कन्विंस करके देगा, ये भी हो सकता है। इसके लिए आप क्रिमिनल ऑफेंस भी है। और आखिर में यदि आप कन्विंस आपको नहीं मिलता है, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार या जॉइंट डीजी के पास जाके आप कन्विंस करके ले सकते हो। इस तरह का प्रक्रिया जो है कन्विंस का। नेक्स्ट, कन्विंस महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट में 4 सेक्शंस है जिसके ऊपर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। एक है बिल्डर ने जो पैसा लिया है यदि उसका हिसाब किताब नहीं देता है, आप जॉइंट रजिस्ट्रार के पास या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाके हिसाब किताब का मांग सकते हो। दूसरा है सेक्शन 10, यदि बिल्डर ने सोसाइटी बना के नहीं दिया, आप अंडर नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी भी बना के सकते हो। और तीसरा जो है कन्विंस नहीं मिलता है, सेक्शन 11 के हिसाब से आप कन्विंस करके ले सकते हो। और लास्ट है यदि बिल्डर ने आपको कन्विंस नहीं दिया, ओसी नहीं दिया, उसका नाम आपको लगता है कि एक ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो आप जो है रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डाल के उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए विनती कर सकते हैं। उसके बाद यदि उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 5 के अंदर की डेवलपमेंट चार्जेस है, वाटर मीटर चार्जेस है, और अलग अलग चार्जेस लिया है, आपको नहीं देता है, इसके हिसाब किताब आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जा लेके कर सकते हो। दूसरा है कन्वेंस जो 51% 60% लिखा है, लेकिन उसके बाद अभी 51% हुआ है, मोर देन 51% फ्लैट बेचता है तो आपको कन्वेंस जो है सोसाइटी बना के देने का जिम्मेदारी उसका है। कई बार सोसाइटी बनाते हैं, कई बार अपार्टमेंट एक्ट करते हैं, अपार्टमेंट एक्ट के अंदर डिक्लेरेशन भी करके आपका अपार्टमेंट एक्ट के अंदर कंडोमिनियम भी फॉर्म कर सकता है, या कंपनी फॉर्म सकता है, या कोई भी लीगल एंटिटी वो कर सकते हैं। सेक्शन 11 में यदि कन्विंस देना उनका जिम्मेदारी है, यदि नहीं देता है, आप सिविल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके कन्विंस ले सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप कन्विंस करके ले सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नेक्स्ट, बिल्डर को आप जेल में डाल सकते हैं, ये तो हमने बताया। नेक्स्ट, डीम्ड कन्विंस क्या है? लोगों में अभी भी गलतफहमी है, डीम्ड कन्विंस मतलब कानूनी प्रक्रिया है,
इट इज एज गुड एज कन्वे, इट इज ए लीगल फिक्शन, फिर भी आपको क्या करना है, एक्चुअल कन्विंस करके लेना है। इधर कितने सोसाइटी है जिनका रजिस्ट्रेशन के चार महीने के ऊपर हुआ, जरा हाथ ऊपर करिए, जितने सोसाइटी है जिनका सोसाइटी बन के चार महीने के ऊपर हो गया, इतने लोग हैं। इसका मतलब आप सबका जो है ना डीम कन्वेंस हो चुका है, जरा समझने का कोशिश करिए, आप सबका कन्वेंस कायदे के हिसाब से हो गया, आप लोगों का कायदे के हिसाब से कन्वेंस हो चुका है, जरा समझने का कोशिश करिए, इट इज डीम टू हैव बीन कन्वेड, नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इट इज डीम टू हैव बीन कन्वेड एंड आई नीड अ डॉक्यूमेंट, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, कन्वेंस डीड, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, लीज डीड, मुझे अभी क्या चाहिए, लीज डीड चाहिए, लीज डीड क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए तो बिल्डर नहीं आता है, डॉक्यूमेंट को बिल्डर बना के नहीं देता है, कन्वेंस डीड बिल्डर बना के नहीं देता है, आपको क्या करना है, एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7, आप गूगल करिए, नहीं तो वाशी हमारा नई मुंबई फेडरेशन जो है, नई मुंबई फेडरेशन की वेबसाइट पे, नहीं तो गूगल करेंगे तो फॉर्म नंबर 7 मिलता है। हमने डीम कन्विंस का किताब लिखा है, जरूरी है तो आप ले लीजिए, मराठी इंग्लिश हिंदी सब में डीम कन्विंस का किताब है, आप ले सकते हैं फॉर्म नंबर 7, वो फॉर्म नंबर 7 आप भर के 2000 रुपए का कोट भी डाल के आप कलेक्टर, सॉरी इधर तो जॉइंट रजिस्ट्रार है, आप दीजिए, बिल्डर को बुलाया जाएगा, 3 महीने में हियरिंग होगा, आपको कन्विंस हैंड ओवर होगा और उस प्रक्रिया को एक्चुअल कन्विंस बोलते हैं। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देना है, 2000 रुपए का कोर्ट फी देना है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, फिर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ बिल्डिंग अप्रूव प्लान, उसके बाद एग्रीमेंट, जितने भी लोगों का एग्रीमेंट है वो इंडेक्स टू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर रिलायड डॉक्यूमेंट, जैसे कि लीगल नोटिस आपने इश्यू किया है, ये सब डॉक्यूमेंट दीजिए, यदि सर्वे नंबर सिटी सर्वे नंबर मैच नहीं होता तो कैसा होता है वो बताइए, और आखिर में एक सर्च रिपोर्ट दीजिए, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट एडवोकेट का, और यदि आपका लेआउट में है, एक आर्किटेक्ट का एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, लेआउट में 10 बिल्डिंग है उसमें से 2 बिल्डिंग को कन्विंस करना है, वो 2 बिल्डिंग का कितना एरिया है, कितना कन्विंस मिलना चाहिए, उसका आर्किटेक्ट का एक एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट दीजिए, उससे आपका कन्विंस का काम प्रक्रिया हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ कन्विंस, एक तो आपका ओनरशिप टाइटल मिलता है, आप मालिक हो जाते हो, आपको और कमर्शियल बेनिफिट मिल सकता है, आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी होगा, यू कैन मॉर्गेज टेक द लोन, और आखिर में आपका रीडेवलपमेंट हो सकता है, एडिशनल FSI मिल सकता है। आपको पता होगा अभी महाराष्ट्र में यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन है, वो यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन से आपके FSI डबल हो चुका है। यदि आपके पास लीज डीड नहीं है, कन्वेंस डीड नहीं है, आप रीडेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इन ऑर्डर टू हैव इट यू नीड टू हैव ए कन्वेंस। उसके बाद आप यदि बिल्डर को जेल में भेजना है तो जरूर भेज दीजिए। यदि कन्वेंस नहीं हुआ, एक लक्ष्मी छाया बिल्डिंग है बोरेली में जो गिर गया था, उनका कन्वेंस नहीं था तो उसके वजह से उनका रीडेवलपमेंट 2 साल रुका, सुन लीजिए, 2 साल डिले हो गया, 2 साल उनको भाड़ा वगैरह अलग से देना पड़ा। यदि बिल्डिंग का जब तक आपका कन्विंस नहीं होता है तो आप रीडेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए कन्विंस के लिए, एक तो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो सोसाइटी के पास है, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम हमने लाए हैं, एग्रीमेंट फॉर सेल जो आपके पास है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट IOD और OC अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, इस तरह का पूरा डॉक्यूमेंट, 7 एक्सट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉर्ड, फॉर्म नंबर 6, सर्च रिपोर्ट, एडवोकेट रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट, इंडेक्स 2 ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल, प्रॉपर्टी कार्ड, NA ऑर्डर, ये पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें से आपको जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, 7-8 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उससे आपका कन्विंस हो जाएगा। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपका कन्विंस हो जाएगा। नेक्स्ट, कई बार बिल्डर लोग क्या करते हैं, अपना जो टाइटल है दूसरे को बेच देते हैं, असाइन करते हैं, आपको डरने का जरूरत नहीं है, इवन इफ द टाइटल इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, ही बिकम्स अ असाइनी, बिकॉज ही इज एन असाइनी, ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्रमोटर एंड उनके तरफ से भी आपको कन्विंस मिल जाएगा। तो इसके लिए आप डरिए मत, यदि बिल्डर ने अपना टाइटल दूसरे को बेचा है फिर भी आपको डीम्ड कन्विंस मिलेगा। नेक्स्ट, अभी सवाल आता है कि डीम्ड कन्विंस इसमें
क्या पर्पस हुए और क्या काम होता है। एक तो वो आपको ऑर्डर पास करता है कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर कन्वेंस, कितना एरिया मिलता है, उसके बाद कन्वेंस डीड बना के उसमें सिग्नेचर भी ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ओनर एंड बिल्डर दोनों वो रजिस्टर करके देता है। इसके लिए नॉट ओनली पासिंग द ऑर्डर, इवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर इज डन बाय द रजिस्टर एट द सेम टाइम। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रक्रिया क्या होता है, प्रक्रिया ऐसा है, आप एप्लीकेशन देने के बाद सामने वाले को नोटिस आता है, आपको भी नोटिस आता है, उसके बाद दोनों को बुलाता है, बुलाया जाता है, दो तीन महीना हियरिंग होता है, दो तीन हियरिंग होता है। यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सामने वाले को बोल सकते हैं बिल्डर को आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, यदि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसका अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद पार्टीज को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है बताने को बोलेंगे, और कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ओरल सबमिशन होता है, ओरल आर्ग्यूमेंट होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, 3 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर आपको डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर मिलता है, और आपको स्पीकिंग ऑर्डर मिलता है, और 6 महीना मैक्सिमम कायदे ने लिखा है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देके 6 महीने के अंदर आपको कन्वेंस मिलना चाहिए, कन्वेंस ऑर्डर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अभी स्पीकिंग ऑर्डर मिलेगा मतलब रीजेंट ऑर्डर मिलेगा, यदि रिजेक्शन भी करते हैं तो उनको कार्ड देना पड़ेगा, वो कार्ड देकर वो रिजेक्ट भी होगा। और इनकेस बिल्डर नहीं आता है, बिल्डर मर जाता है, बिल्डर लैंड ओनर मर जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर भी आपको मिलेगा, लीगल हेयर के ऊपर भी आपको ऑर्डर मिलेगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, यूनिलैटरल कन्वेंस आपको लेने का बहुत अच्छा प्रक्रिया जो है। अभी आप सवाल करेंगे, सर ये जानकारी ज्यादा ज्यादा हमें चाहिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गीता चौधरी, शांतनु कुमार और ज्योतिन्द्र भोसले, उनका नंबर इधर है और आपको शायद आपको व्हाट्सएप में भी आया होगा, इनको आप कॉन्टेक्ट करिए। इनका ऑफिस सीबीडी बेलापुर, जहाँ ज्वाइंट रजिस्ट्रार का ऑफिस है उसके ऊपर ही है, तो उधर महासेवा का भी ब्रांच है, आप मुफ्त में कंसल्टेंसी ले पाएंगे। जरा जोरदार तालियां दीजिए उनको। आपको ज्योतिन्द्र भोसले साहब, हैप्पी होम हैप्पी पीपल फाउंडेशन, यदि आपको चार्जेस लगाते हैं आप हमें बताइए, हमने ऑलरेडी उनके पास एमओयू किया है कि हमारा तरफ से, महासेवा का तरफ से कोई भी उनके पास जाते हैं उनको फ्री कंसल्टेंसी देना है, ऐसा नो सर, आप जरा एनाउंसमेंट करिए, जैसे आप बोलेंगे कि एक प्रोफेसर भी बोला आप उधर जाओ अंतरिक्ष में जाओ। यस श्योरली, वी रिस्पेक्ट महासेवा एंड ऑब्वियसली वी ऑनर ऑल द पीपल हु कम टू सीबीडी बेलापुर अंडर एटीट्यूड फाउंडेशन नेम। So, आज का सेमिनार का एक टेक अवे ये है, आज का सेमिनार का एक टेक अवे, ये यूट्यूब में आपको सब मिल जाएगा, जो हमने बात किया वो यूट्यूब में अपलोड होगा, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक हो जाएगा, ये बराबर ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा जो है, हमारे साथ में महाराष्ट्र स्टेट कोविड हाउसिंग फेडरेशन का सचिव सेक्रेटरी इधर है, पदाधिकारी इधर है, तो आई विटनेस है। तो कल हम आपकी, देखो कोई भी डिस्प्यूट है आपको मालूम है, कोई भी डिस्प्यूट है आप फेडरेशन के पास लेके जा सकते हो। हमारे एरिया का फेडरेशन कौन सा है, नई मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, उसका भी सचिव है और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन का भी सचिव है, तो वो भी इधर विटनेस है, वो बोलेगा यस, और आप उनके पास भी जा सकते हो। नई मुंबई हाउसिंग फेडरेशन में भट्टाचार्य साहब है एज ए चेयरमैन, और भास्कर मात्रे है, वो भी अच्छे तरह से गाइड करते हैं, आप उधर भी बेशक जा सकते हैं, तो आप उधर से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, वाशी में ऑफिस है। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे और एक टेक अवे आज का है, वो है आपको मुफ्त सलाह, मुफ्त सलाह देने का वादा किया है, तो थ्रू आउट द ईयर आप मुस्लिम साहब के ऑफिस में जाके मुफ्त सलाह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है, एक बार आपका कन्वेंस ऑर्डर पास हो गया, आपको कन्वेंस डीड बनेगा, कन्वेंस डीड में सिग्नेचर किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार किसके वती से करेगा, ऑन हुज बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ओनर एंड बिल्डर, जिन्होंने कन्वेंस करके देने के लिए नकारा है उनके तरफ से वो सिग्नेचर करके आपको कन्वेंस देंगे। और उसके बाद आपको एजुडिकेशन करना है, जो हमने बताया स्टैंप डी भरना है, और उसके बाद रजिस्ट्रार के बाद जाके रजिस्टर होगा, और फिर सिडको में आपका नाम एंटर होगा। और अभी एक एमिनिस्ट्री स्कीम आया है, आप सबको मालूम है एमिनिस्ट्री स्कीम,
नहीं मालूम? ओके, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहली बार एक स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम लाया, उसके ऊपर भी किताब है, आपको लगभग 25% डिस्काउंट में पूरा का पूरा किताब आज मिलेगा। जितने भी किताब है महासेवा का, मैंने लगभग 30-40 किताब लिखा है, 40-1 किताब लिखा है, तो आप जो है जो किताब चाहिए आप ले सकते हो। कई सेमिनार में मुझे पूछा जाता है, प्रभु साहब आपने किताब भेजने का धंधा कब से शुरू किया? सब समझने का कोशिश करिए, जो हमारा 30 से 35 साल का मेरा तजुर्बा है वो किताब में लिखा है। रात को और दिन को बैठ के, रात को 2-3 बजे तक बैठ के हम किताब लिखते हैं, क्योंकि जो तजुर्बा है वो आप तक पहुंचना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो राइटिंग में आता है, राइटिंग में आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ के बहुत सारा वकील भी है, अपना प्रोफेशन भी बढ़ा सकते हैं और आप लोग भी उसका फायदा ले सकते हैं। ये तजुर्बा आपके पास है तो आप जरूर लीजिए, और इसमें कोई कॉपीराइट नहीं, एक किताब लीजिए 100 कॉपी करके आप भेजिए, और जो इतना भी व्हाट्सएप में भेजना है तो भेज दीजिए, हम प्रिंटिंग का कॉस्ट लेने का कोशिश करते हैं, ताकि वी कैनॉट गिव एवरीथिंग फ्री। हाँ, आप उसको जरूर करिए और जितने सबमिट करना है करिए। कमिंग टू द पॉइंट, स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम पहली बार आए, उसमें क्या है कि जो एग्रीमेंट में आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं है तो आज अंडर एमनेस्टी स्कीम आप उसको स्टैम्प ड्यूटी को भर सकते। यदि एमनेस्टी स्कीम नहीं है तो आपको 2% पेनल्टी पर मंथ लगता है, कितना? 2% पर मंथ पेनल्टी लगता है, 400% पेनल्टी लगता है। तो 400% पेनल्टी भरने की जगह में आपको पूरा 80% पेनल्टी का वेवर है, पहला 100% वेवर था अप टू 29 फरवरी 2024, अभी आपको 80% पेनल्टी वेवर है और 20% पेनल्टी भरना है, और स्टैम्प ड्यूटी में भी आपको 20% कंसेशन है, आपको 80% स्टैम्प ड्यूटी भरना है। ऐसा ये स्कीम है, इसका बेनिफिट लीजिए, 31 मार्च 2024 इज द लास्ट डे, इस स्कीम का बेनिफिट लेना है, स्टैम्प ड्यूटी स्कीम का 31 मार्च 2024 इज द लास्ट डे। तो स्टैम्प ड्यूटी में आप एग्रीमेंट का टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी भरा है तो आपको कन्वेंस के टाइम पर स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी नहीं है। यदि एग्रीमेंट फॉर सेल में आपने सिर्फ 5 रुपए भरा है, कन्वेंस में आपको पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सब जितने भी चीफ मिनिस्टर आते हैं उनके साथ हमारा मुलाकात होते रहता है, और मेरा जो किताब है वो प्रसिद्ध, जरा ये देखिए डीम कन्वेंस डीड में, ये डीम कन्वेंस डीड है, इसमें आप देखिए डीड ऑफ कन्वेंस एक्सिक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ सनशाइन बिल्डर बाय हुम, बाय कॉम्पिट अथॉरिटी, जो एसपी गोरपड़े है वो कॉम्पिट अथॉरिटी था, उन्होंने साइन किया। नेक्स्ट ये देखिए डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर, उन्होंने साइन किया, दिख रहा है आपको? बिल्डर का साइन नहीं है, सिग्नेचर किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, इधर जॉइंट रजिस्ट्रार सीट को साइन करेगा और सोसाइटी की तरफ से चेयरमैन सेक्रेटरी साइन करेगा। तो इस तरह का आपको कन्वेंस होगा, आप बिलीव करिए, मेरे पास बहुत स्लाइड है, अभी वक्त नहीं है, ये स्लाइड आपको दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, व्हाट्सएप में भेजेंगे। इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कई लोग पूछते सर डीम कन्वेंस चैलेंजेबल है? यस, हर गवर्नमेंट का ऑर्डर चैलेंजेबल है, किधर? हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है। लेकिन जितने भी चैलेंज हुआ है, लगभग मान लो अभी तक 10,000 सोसाइटी का कन्वेंस महाराष्ट्र में हुआ है, अगला 14 साल में, 2010 में डीम कन्वेंस आया, आज 2014 है, लगभग 10,000 डीम कन्वेंस हुआ है, उसमें 500 सोसाइटी, नॉट इवन 0.5%, सिर्फ 0.5% किधर गए? हाईकोर्ट में गए, 1% ही नहीं, बराबर। तो इतना आपका, सॉरी 5% नॉट 5.5 नहीं, 5% 500 मतलब 5% 5% जो है अपना किधर गए? हाईकोर्ट में गए, उसमें से 99% सोसाइटी के तरफ से हुआ, सिर्फ 1% मतलब 10-12 सोसाइटी का जो कन्वेंस एडमिट हुआ होगा हाईकोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी 10-12 प्रकरण आ गया ऑल ओवर 14 साल में 10-12, और उसमें 100% जो है वो सोसाइटी की तरफ से ही कंफर्म हुए। तो इसके लिए डीम कन्वेंस जो है एक कायदा है, कानून है, गवर्नमेंट ने दिया है। आज डीम कन्वेंस रद्द करने के लिए बिल्डर को अभी बहुत पीछे लगे हैं, महाराष्ट्र स्टेट को अपने हाउसिंग फेडरेशन है, महासेवा है, हम लोग लगातार गवर्नमेंट को बोल रहे हैं डीम कन्वेंस कैंसिल मत करो, आने वाला 2-3 साल में शायद डीम कन्वेंस कैंसिल होगा। इसलिए मेरे आपसे विनती है, आज जो हैप्पी पीपल फाउंडेशन जो कार्यक्रम किया, इसके माध्यम से आप जानकारी लीजिए,
जिनका जिनका कन्वेंस नहीं हुआ, लिस्टेड नहीं हुआ, आप करके लीजिए। जो भी जानकारी चाहिए, छोटा मोटा जानकारी आपको जो हैप्पी पीपल फाउंडेशन जो सीबीडी बेलापुर के ऑफिस है उधर, आप उधर से ले सकते हो। नहीं तो नई मुंबई में हमारा ब्रांच है, मंगेश रनौड़े साहब है, उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।